नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मेरा नाम जसवीर कौर है। मैं माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल मैनेजमेंट नोबल फाउंडेशन ब्रांच बसंत टैगोर की अध्यापिका हूँ। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि पूरी दुनिया में एक वायरस ने आतंक फैलाया हुआ है। उस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। वह एक ऐसा वायरस है, ऐसी बीमारी है जिसका ना तो अब तक कोई इलाज आया है और ना ही कोई दवाई बनी है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है आपस में दूरी बनाए रखना, अपनी और अपने आसपास की अच्छे से सफाई रखना। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लॉकडाउन का आदेश दिया और हम सबको घरों में रहने का आदेश दिया, और जो कि एक बहुत ही अच्छा कदम है। हम सबका फर्ज बनता है कि हम सब भी उनके आदेशों का पालन करें, और आशा करती हूँ कि आप सब भी कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो कि बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर के पंचतंत्र को शक्तिशाली और तेज होना चाहिए। योग एक इतनी पुरानी साधना है जिससे कि हमारे शरीर के पंचतंत्र को तेज और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। तो क्यों ना बच्चों, हम इसका फायदा उठाएं। तो बच्चों, हर सुबह हर रोज इंडिया टीवी पे 7:57 से लेके 8:30 तक योग साधना का एक प्रोग्राम आता है जिसमें बाबा रामदेव जी द्वारा योग सिखाया जाता है। तो आपने अपने माता पिता के साथ हर रोज सुबह योग करते हुए अपनी फोटो खींचनी है और वीडियो बनानी है, और उसके बाद अपने अपने क्लास इंचार्जेस को भेजनी है। नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो उन जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है जिन्होंने कभी शिक्षा प्राप्त करने के बारे में सोचा भी नहीं था। आज नोबल फाउंडेशन ने उनके सपनों को साकार किया है। नोबल फाउंडेशन की मेहनत और लगन के बदौलत आज 36 शाखाओं में 5100 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो बच्चों, आज मैं 15 मई 2020 दिन शुक्रवार का टास्क लेकर आई हूँ। बच्चों, आज तक जितने भी आपने टास्क किए हैं सारे बहुत ही मेहनत और लगन से किए हैं, और आशा करती हूँ कि आज का टास्क भी आप पूरी मेहनत और लगन से पूरा करोगे। तो चलिए, अब बारी है आज के टास्क। तो बच्चों, सबसे पहले हम नर्सरी के टास्क की तरफ आते हैं। नर्सरी को मैंने ये काम मैचिट में दिया है। सबसे पहले जो अल्फाबेट्स हैं ABCDE, इन्हीं अल्फाबेट्स को इन पिक्चर्स के साथ मैच करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए फॉर एप्पल, हमने ए को एप्पल के साथ मैच कर लिया। तो इसी फॉर्म में आपने बाकी के अल्फाबेट्स को भी पिक्चर्स के साथ मैच करना है। तो बच्चों, अब बारी है एलकेजी के टास्क की। एलकेजी में हमने वोवल आई को यूज करते हुए वर्ड बनाना है। जैसे कि मैंने इसमें दिया हुआ है ई आई एन पिन, पी आई जी पिग, एल आई डी लिड, एन आई बी निप, बी आई बी विप, एल आई पी निप, एफ आई जी फिग, एच आई डबल एल हिल, डी आई एस एच डिश, एफ आई एस एच फिश। तो ऐसे आई की साउंड के ये वर्ड बनते हैं। तो मैंने ये इधर भी वर्ड लिखे हुए हैं, तो आपने उन वर्ड्स में आई अल्फाबेट को भरते हुए इन वर्ड्स को पूरा करना है। तो अब बारी है यूकेजी के टास्क की। तो बच्चों, आज मैं आपको अलग अलग कलर्स के बारे में बताऊंगी, जिसमें कि ये है रेड कलर, RED रेड, ये है ब्लू कलर, BLUE ब्लू, ये है पिंक कलर, PINK पिंक, ये है ग्रीन, GREEN ग्रीन, ये है येलो, YELLOW येलो, ये कौन सा कलर है ब्लैक, BLACK ब्लैक, और ये कलर है ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज, ये कौन सा कलर है ब्राउन, BROWN ब्राउन, ये कलर है स्काई ब्लू, SKY स्काई, BLUE ब्लू, और ये कलर है पर्पल, PURPLE पर्पल। तो बेटा, जैसे मैंने आपको आज कलर्स के बारे में, अलग अलग कलर्स के बारे में बताया है, तो उन्हीं कलर्स को मैं इधर अलग आगे पीछे करके इनको
एक फिलर्स छोड़ दिया है, तो आपने सही वर्ड जो है इसमें भरते हुए इस फिलर्स को करना है। आज का आपका होमवर्क यही है। तो बच्चों अब बारी है क्लास फर्स्ट से लेके सेवन्थ तक के बच्चों के टास्क की। तो बच्चों आपका आज का टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन मतलब परिभाषा क्या है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। द वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स इज कॉल्ड प्रेपोजिशन। बेटा इसमें ये बताया गया है कि इसमें यह शब्द जो है नाउन प्रोनाउन या दूसरे शब्दों के संबंधों को दर्शाता है। इसमें जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन ऑन अंडर ओवर एक्सेट्रा। तो आज हम जो है तीन वर्ड जैसे कि इन ऑन अंडर इन के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि बेटा इन, इन का मतलब क्या है में भीतर अंदर, ऑन का मतलब क्या है ऊपर, अंडर का मतलब क्या है नीचे। तो बच्चे इसमें मैंने ये तीन चित्र बनाए हैं और इसमें एक ग्रीन बॉल की पोजीशन बताई है, अलग अलग पोजीशन बताई है जिसको देखते हुए हम लोग उसमें ये इन ऑन अंडर वर्ड फिलप्स में भरेंगे। जैसे कि ये बॉल जो है ये बॉक्स के अंदर है, ये बॉल जो है ये बॉक्स के ऊपर है, और ये जो बॉल है ये बॉक्स के नीचे है। तो हम ये यहाँ देखेंगे द ग्रीन बॉल इज इन द बॉक्स। इन द बॉक्स क्योंकि ये इनका मतलब है इसके अंदर है। तो अगला है द ग्रीन बॉल इज ऑन द बॉक्स। ऑन मीन्स ऊपर, ये बॉक्स के ऊपर है। द ग्रीन बॉल इज अंडर द बॉक्स क्योंकि ये बॉल जो है बॉक्स के नीचे है, तो इसलिए जहां हमने अंडर भर लिया। अब मैं क्लास फर्स्ट को टास्क देने जा रही हूँ जिसमें आपने ये पिक्चर्स को देखकर यह शब्द इन ऑन अंडर इसमें भरना है। फॉर एग्जाम्पल द बॉल इज डैश द बॉक्स। इसमें जो बॉल है बॉक्स के ऊपर है इसलिए हमने यहाँ ऑन करा है। तो बाकी के टास्क को आपने खुद फिल करना है। तो बच्चों अब हम सेकेंड से सेवन्थ तक क्लास के बच्चों के लिए टास्क करेंगे। इसमें आपने बच्चों ये पिक्चर्स दिखाई हुई है, इस पिक्चर्स को देखते हुए आपने ये प्रेपोजिशन वर्ड्स इन और अंडर भरने हैं। फॉर एग्जाम्पल द बुक्स आर डैश द टेबल। जो बुक्स जो है उनकी पोजिशन क्या है ऑन, ऊपर है तो यहाँ आ जाएगा ऑन। द वॉटर इज डैश द जग। जो पानी है वो जग के अंदर है बाहर है कि ऊपर है। तो इस इन ऐसे ही आपने सारा देखकर इसमें प्रेपोजिशन वर्ड भरने हैं। तो अब बारी है पेरेंट्स के टास्क की। इसमें आपने मैंने ये वर्ड अल्फाबेट लिखे हैं ए बी सी डी ई एफ जी। इन अल्फाबेट्स को मैंने यहाँ पे आगे पीछे कर दिया है, तो आपने इन अल्फाबेट्स को आपस में मिलाना है। जैसे कि ए को ए के साथ मिला देना है, तो ऐसे ही बाकी के अल्फाबेट्स को आपने इनके साथ मिलाना है। तो अंत में मैं IRS चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफ लुधियाना श्री BK झा सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और साथ ही साथ मैं उन दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमारे नोबल फाउंडेशन परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री रजिंदर शर्मा जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने एक शिक्षा रूपी पौधा नोबल फाउंडेशन के रूप में लगाया जो कि आज एक वृक्ष का रूप ले चुका है। और उनकी शिक्षा रूपी छाया उन जरूरतमंद बच्चों तक जा रही है जिनकी उनको जरूरत है, और आशा करती हूँ आने वाले दिनों में यह पेड़ और भी बढ़ेगा और बाकी के जरूरतमंद बच्चों तक उनकी शिक्षा रूपी छाया पहुँच सकेगी। धन्यवाद।